बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम बनाने जा रहे हैं टर्किश ब्रेड बज़लमा। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। उसके लिए मैंने 4 कप्स मैदा लिया है, 4 कप का साइज़ है, 4 कप मैदा है। ईस्ट लिया हमने 2 टेबलस्पून, नमक लिया है हमने 1 टीस्पून, शक्कर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, 150 ml मैंने लिया है वार्म वाटर और 150 ml मैंने लिया है वार्म मिल्क। इन सबको एक साथ डाल के आप हाथ से गूंद लें या मशीन में, इसको हम गूंदेंगे। डो हमारा गुन गया, अब इसको निकाल लूँगी मैं और एक गर्म जगह पे रख दूँगी 1 घंटे के लिए। नान का आटा मैंने गून लिया था, उसको हमने 1 घंटे के लिए रखा था, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 3 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है। बहुत अच्छा डो बना है, अब इसको हम बेलेंगे और बनाएंगे। पहले इसके पीसेस कर लेंगे। जितने पेड़े आपको बनाने हैं उतने इसके कर लें। इससे पेड़े बना के पहले आप इधर रख लें, उसके बाद हम बेलेंगे इनको। बटर लिया मैंने थोड़ा सा, आखिर में लगाएंगे। सुमुक है मेरे पास, जो बटर लिया मैंने उसी के अंदर मैं पार्सली ले लें या हरा धनिया ले लें, उसको मिक्स कर दूंगी और आखिर में जब नान बन जाएगी तो ये लगाएंगे हम उस पर। बटर को मैंने इसमें रख लिया, तवा ले लें आप या फ्राई पैन ले लें, उसको चूल्हे पे रख दें गर्म करने के लिए। इधर मैंने एक तवा रखा है, एक इधर फ्राई पैन रखा है, दोनों पे बनाऊंगी। तो मैं लगा दूंगी बटर, अच्छी तरह से इसको बटर लगा लूं। बहुत अच्छी फूल रही है, आटा बहुत अच्छा गुना है इसका। अब इसके ऊपर आप बटर लगा दें, थोड़ा सा सुमक छिड़क दें। मेरे पास सुमक है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर सुमक छिड़क सकते हैं। जब नान में बबल्स आने लगेंगे तब इसको हम पलटेंगे। टर्किश नान है, बनाकर ज़रूर देखिएगा, इजीली बन जाती है।
इस टाइम मिस कर हम बटर लगा देंगे। ब्रेड डन है, टर्किश नान हमारी डन है, बजलमा बनाया है हमने, बनाकर ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।